जैसा कि आप सबको पता है कि 13 सितंबर 2020 के दिन नीट का एग्ज़ाम हुआ था, जो एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया गया था। तो लेवल भी आपको एग्ज़ाम का पता है कि जो एग्ज़ाम का लेवल वो है वो 2019 के बराबर ही है। तो ठीक है, तो जो कट ऑफ है वो उसके आसपास ही जाने वाली है, उसके एक दो मार्क्स ज़्यादा एक दो मार्क्स कम जाने वाली है। क्योंकि आपको पता है कि इस साल जो स्टूडेंट्स बढ़े हैं पिछले साल के कंपेयर में, तो इस साल सीटें भी बढ़ी हैं। जैसे पिछले साल जो प्योर गवर्नमेंट सीट थी वो 35,000 थी और इस साल 40,000, तो 500 सीट्स का बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम हरियाणा स्टेट के जो ऑल इंडिया क्वाटे और स्टेट क्वाटे के थ्रू कितने मार्क्स आपके होने चाहिए, और किस तरीके से पिछले साल वाले बच्चों को कॉलेज मिल गया था, कौन से मार्क्स के अंदर, तो उसके बारे में पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और इसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट आपके सारे फ्रेंड्स हों, आपके फ्रेंड्स सर्कल, आप उस तरीके से अपने मार्क्स से कंपेयर करके पता कर सकते हो कि किसको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इन 2019 के अंदर जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट थे वो थे 33,047 और अपीयर हुए थे 30,649। ठीक है, जिसमें से क्वालिफाई किया था 22,499, यानी 73.41% स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि टोटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन हरियाणा 5, जो MBBS सीट्स के लिए जो टोटल प्योर गवर्नमेंट सीट्स हैं जिसके अंदर, तो वो हमारे हरियाणा के अंदर टोटल कितनी सीट्स हैं, 5। तो कौन से स्टेट की बात करें, हरियाणा स्टेट की बात करें, टोटल कितने, 5 हैं। ठीक है, 5 प्योर मेडिकल कॉलेज है फॉर MBBS सीट्स के लिए। ठीक है, इसमें मैं आपके लिए BDS या फिर BHMS या किसी और के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, ना ही प्राइवेट कॉलेजों के बारे में बात कर रही हूँ, इसमें से मैं प्योर गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में ही बात कर रही हूँ। ठीक है, इसमें मैं आपको एक और बता देती हूँ कि हरियाणा के अंदर एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी है, जिसके अंदर मैं आपसे अलग से, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि इसमें से कौन सा सेमी गवर्नमेंट है या नहीं, तो इस तरह से मैं बता दूँ, इसमें हरियाणा के अंदर एक सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जिसका नाम है MAMC, ठीक है, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज। ठीक है, टोटल गवर्नमेंट सीट्स ऑफ MBBS ये प्योर गवर्नमेंट्स वाली है तो कितनी है, 581। तो जो सेमी गवर्नमेंट, इसके अंदर कुछ सीटें गवर्नमेंट्स की हैं, कुछ ट्रस्टेड हैं। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपने देख लिया इसके अंदर टोटल गवर्नमेंट सीट्स ऑफ MBBS 581, ठीक है, और एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज और टोटल मेडिकल कॉलेज है 5। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो कॉलेज है PTBD शर्मा PIMS रोहतक। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए, जो स्टेट क्वाटे के अंदर बच्चे के जो मार्क्स रहते हैं जो जनरल कैटेगरी के लिए थे वो 619 रहे थे। ठीक है, और BCA के लिए 577 और BCB के लिए 605 और SC कैटेगरी के लिए 512 और EWS के लिए 602। ओके, ये था स्टेट क्वाटे के अंदर फॉर PTBD शर्मा PIMS रोहतक कॉलेज के लिए। और ऑल इंडिया क्वाटे के लिए इसके अंदर क्या हो गया था मार्क्स, ये देखिए, जो जनरल का स्टूडेंट था उसके मार्क्स 638 और उसकी रैंक थी 1825। ठीक है, और SC का जो बच्चा था उसके थे 552 और उसकी रैंक थी 23,217 और ST के लिए जो बच्चा था उसके 521 था, उसकी रैंक थी 37,212। तो इस प्रकार से रैंक थी। ठीक है, पिछले साल की प्रोविजनल लिस्ट के थ्रू हमने इसको बनाया गया। आपके जो मार्क्स हैं आप इसको इसके या तो इसके बराबर या फिर इसके आसपास कर सकते हैं, या तो हो सकता है इसके मार्क्स कम भी हो सकते हैं। जैसे ऑलरेडी क्वार्टर के लिए जनरल के लिए 638 गया तो हो सकता है 635 चले जाए इस बार, या फिर हो सकता है कि एक दो मार्क्स इससे ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लमसम आप अपना मार्क्स को मान के चलिए। ठीक है, तो इतने मार्क्स तो आपके होने कंपलसरी ही हैं। ओके, थोड़े बहुत कम हो सकते हैं, एक दो मार्क्स का फर्क पड़ सकता है क्योंकि लेवल आपको पता ही है किस प्रकार से था। और हाँ, एक बच्चों की बहुत क्यूरी आती है कि इस बार कोविड की वजह से उनको बहुत टाइम मिल गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड की वजह से उनको टाइम मिला है तो कट ऑफ इस प्रकार से आई जाएगी, क्योंकि जो टाइम मिला है वो पर्टिकुलर किसी एक पर्सन के लिए नहीं मिला, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए बराबर मिला है, तो कट ऑफ भी उसी तरीके से जाएगी। जैसे कि ईजी अगर एग्जाम का लेवल रहा है तो वो ऐसा नहीं है कि कुछ ही बच्चों के लिए ईजी रहा है, वो 80% बच्चों के लिए ईजी रहा है, तो लेवल भी फिर उस हिसाब से कट ऑफ भी उस प्रकार से जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं। BPS GMC सोनीपत। ठीक है, तो BPS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सोनीपत के लिए स्टेट क्वार्टर के अंदर देख लेते हैं, जनरल के लिए 593, BCA के लिए 543, BCB के लिए 575, SC के लिए 469, EWS के लिए 597। ओके, फॉर स्टेट क्वार्टर। ऑल इंडिया क्वार्टर के अंदर भी देख लेते हैं क्या गए थे मार्क्स, इसके अंदर जनरल के लिए 609, SC के लिए 505, ST के लिए 473 और उनकी रैंक किस प्रकार थी, तो जनरल का स्टूडेंट था उसके लिए 609 मार्क्स आए थे, उसकी रैंक थी 5895 थी और SC वाले जो स्टूडेंट जिसके मार्क्स थे 505 उसकी रैंक थी 46200 और ST वाले के मार्क्स थे 473 उसकी रैंक थी 66742। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज की बात कर लेते हैं, कल्पना चावला GMC करनाल। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए, स्टेट क्वार्टर के अंदर जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट था उसके मार्क्स थे 605 और BCA के लिए 561, BCB के लिए 578, SC के लिए 497 और EWS के लिए 597 मार्क्स। ठीक है, और ऑल इंडिया क्वार्टर के लिए देख लेते हैं, कल्पना चावला जी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल के लिए, तो कैटेगरी के बाइज देखिए, जनरल के लिए 618 मार्क्स गए थे और इसकी रैंक थी 4355, SC वाला स्टूडेंट था उसके मार्क्स थे 538, इसकी रैंक थी
29,333 और ST वाला जो स्टूडेंट था उसके मार्क्स आए थे 480 और उसकी रैंक रही थी 61,539। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपके मार्क्स इसके आसपास आ रहे हैं तो आपको ये वाले कॉलेज अलॉट हो सकते हैं। तो ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी अच्छी कन्फर्मेशन इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए दी और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट आपके और फ्रेंड्स को सर्किल में भी पहुँच सके, क्योंकि इससे आप कंपेयर कर सको किसको कौन सा कॉलेज अलॉट होने वाला है। नेक्स्ट कॉलेज की बात कर लेते हैं, SHKM GMC मलाड मेवात। तो इसके अंदर कॉलेज देखिए, स्टेट क्वार्टर के अंदर जनरल के लिए 585, BCA के लिए 548, BCB के लिए 572, SC के लिए 466, EWS के लिए 580। ठीक है, ऑल इंडिया क्वार्टर के लिए भी देख लेते हैं, जनरल का स्टूडेंट उसके मार्क्स 605 और रैंक थी उसके 6735। ठीक है, और SC कैटेगरी का जो स्टूडेंट था उसके मार्क्स 575 और उसकी रैंक थी 40,749। ठीक है, और ST का जो स्टूडेंट था उसके मार्क्स थे 477 और उसके रैंक थी 63,746। ठीक है, तो ये बच्चों के ऑल इंडिया कैटेगरी के अंदर रैंक थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ESICMC फरीदाबाद। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए, स्टेट क्वार्टर के अंदर जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट था उसके मार्क्स थे 592 और BCA के लिए 558 और BCB के लिए 572, SC के लिए 468 और EWS के लिए 584 फॉर स्टेट क्वार्टर के लिए। ठीक है, ऑल इंडिया क्वार्टर को भी देख लेते हैं, इसके अंदर देखिए कैटेगरी वाइज जनरल के लिए 607 मार्क्स थे और उस बच्चे की रैंक थी 6,360। ठीक है, और SC वाले स्टूडेंट्स के मार्क्स थे 510 और उसकी रैंक थी 43,633। ST वाले स्टूडेंट्स के मार्क्स थे 476 और उसकी जो रैंक थी 64,332। ठीक है, ये हमने पूरी आपको जो लिस्ट थी पिछले साल की प्रोविजन तो उसके थ्रू आप लोगों के लिए बनाई है। ये जो भी काउंसलिंग हुई थी उसके अंदर कितने तक के बच्चों को कॉलेज मिल गया था लास्ट, तो उसके बारे में पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर बताई है। एक हम बात कर लेते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था हरियाणा के अंदर 5 जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो प्योर मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज है फॉर MBBS सीट के लिए, और इसमें एक और 6 कॉलेज एक और है जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है जिसके अंदर कुछ सीटें गवर्नमेंट है और कुछ सीटें प्राइवेट है। ठीक है, तो उस कॉलेज के बारे में भी आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन उसके बारे में बता देती हूँ। ये देखिए, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज इन हरियाणा स्टेट, तो वन है महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज MAMC कॉलेज। ठीक है, बताया था मैंने आपके लिए, और इसके लिए अगर आपके पास इस तरह से आ रहे हो तो आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसकी मैं आपको कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देती हूँ 2020 की, क्योंकि अगर आपके मार्क्स इस प्रकार से आ रहे हो तो आपको ये वाला कॉलेज भी इसका मिल सकता है। इसके अंदर देख लेना कि कौन सी गवर्नमेंट सीट आप जो भरो, अगर आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए तो आप इसके अंदर गवर्नमेंट सीट्स के लिए, वरना बहुत से बच्चे क्या काउंसलिंग के टाइम बहुत गलती करते थे कि क्या करते हैं वो प्राइवेट सीट के लिए भर देते हैं, तो इसके वजह से क्या होता है उनके जो लास्ट के जो गवर्नमेंट कॉलेज के जो मिलने वाले होते हैं तो उनके चांसेस भी बंद हो जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज के वजह से बच्चे फीस की वजह से रह जाते हैं। तो इस वजह से आप जब भी भरो इस कॉलेज को भी तो ध्यान से भरना, और गवर्नमेंट सीट के लिए अगर आप भरे हो तो उसमें आप देख लीजिएगा कि आप गवर्नमेंट सीट के लिए भरे हो, काउंसलिंग करते ना बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना, और जो भी आप जिस भी दुकान पर जाओ तो उस पर अच्छे तरीके से काउंसलिंग करना। ठीक है स्टूडेंट्स, बच्चे बहुत गलतियां करते हैं तो काउंसलिंग बिल्कुल बारीकी से सोच समझ के करना क्योंकि ये आपके फ्यूचर की बात है। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते हैं, जो जनरल का स्टूडेंट है उसके लिए 579 प्लस मार्क्स होने चाहिए, BCA के लिए 538 प्लस, BCB के लिए 570 प्लस, SC के लिए 458 प्लस और EWS के लिए 577 प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप मैंने आपको जो भी चीज़ आपको समझाई आपको अच्छी तरह से समझने आ गई हो, और प्लीज़ काउंसलिंग करते समय बहुत अच्छे तरीके से काउंसलिंग कीजिएगा। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखा आपको जैसे मैंने बताया 5 गवर्नमेंट कॉलेज और एक सेमी गवर्नमेंट था, तो इसके बारे में मैंने अच्छी तरह आपको डिफरेंट, और आपको और भी स्टेट की वीडियो देखनी है जैसे कि आपके और भी मार्क्स शायद हो सकते हैं कम आ रहे हो तो आप किसी हो सकता है आपके चांसेस किसी अदर स्टेट के लिए हो सकता है ऑल इंडिया कॉलेज के थ्रू, तो इसके लिए आप और भी वीडियो देख सकते हैं, हमने राजस्थान की, MP की, UP की, बिहार की, इन सबकी वीडियो भी, महाराष्ट्र की भी सारी इंक्लूडेड आपको बनाए, अगर आपको वो देखनी तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसको ईजिली देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।